अब देखिए चुनाव के अंतिम रण में फिर गर्जेंगे सपा संस्थापक। जी हां, आज जौनपुर में साख बचाने की कोशिश करते हुए मुलायम सिंह यादव आपको नजर आने वाले हैं। मल्हनी सीट पर आज मुलायम सिंह प्रचार करेंगे, पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इससे पहले मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश के लिए करहल में प्रचार किया था, वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। अब मल्हनी सीट पर सपा की साख बचाने के लिए खुद मैदान में उतर रहे हैं सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव। और इससे पहले करहल में उन्होंने अपनी बातें भी की, अखिलेश यादव के लिए वोट की अपील भी की, और अब मल्हनी सीट पर वो वोट की अपील करते हुए दिखाई देंगे और लकी यादव के लिए वो प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। अब लगातार ये कोशिश हो रही है समाजवादी पार्टी की कि किस तरीके से अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए और जो हवा चल रही है उत्तर प्रदेश में उसको अपने पक्ष में किया जाए। चुनाव के अंतिम रण में फिर गरजते हुए सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव आपको नजर आने वाले हैं। आज जौनपुर में मुलायम सिंह प्रचार करेंगे, जौनपुर की मल्हनी सीट पर मुलायम सिंह यादव मंच पर आपको विराजमान दिखाई देंगे और वो जोश भरने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और उनको मंत्र भी देंगे जीत का, किस तरीके से जीता जा सकता है रण उत्तर प्रदेश का, उसमें भागीदारी कितनी अहम है पूर्वांचल की, इसका भी जिक्र वो करेंगे। और तमाम तस्वीरें जो भी आएंगी उससे भी आप समझ सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए कितना अहम है पूर्वांचल। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं, जौनपुर से हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। रतीश, कैसी तैयारी वहां पर समाजवादी पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम आज होने हैं, मंच पर भी दिखाई देंगे मुलायम सिंह यादव, अपने पार्टी के पक्ष में माहौल वो तैयार करेंगे, कैसी तैयारी वहां पर है, कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। अब आखिरी दौर की लड़ाई है, सातवां चरण बचा है और जौनपुर में चुनाव है। जौनपुर में वैसे तो 9 सीटें हैं लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइट अगर बात की जाए तो मल्हनी की है, क्योंकि यहाँ से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव मैदान में हैं, तो बाहुबली धनंजय सिंह JDU से मैदान में, और पूर्व सांसद KP सिंह भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतरे हुए हैं। इन्हीं के पक्ष में आज राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मल्हनी में आज प्रचार करने आ रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें होंगी मुलायम सिंह यादव पर। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव खुद स्वयं, उन्होंने इस बार प्रचार नहीं किया है करहल के अलावा, अब दूसरी बार होगा जब वो यहाँ मल्हनी आ रहे हैं और एक सियासी संदेश देने की कोशिश भी होगी। पिछले दिनों देखा गया था कि लगातार अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धनंजय सिंह पर हमला बोला था, इशारों में हमला बोला था और सरकार को भी घेरा था कि एक बाहुबली खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है, घूम रहा है और सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि बाहुबली को ढूंढा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों के घटनाक्रम हुए और मैदान में ताल ठोकी धनंजय सिंह ने, उसके बाद से ये संदेश देने की कोशिश होगी सपा संरक्षक की कि मल्हनी में लकी यादव को लोगों को सपोर्ट करना होगा, और इसीलिए सियासी संदेश देने की भी कोशिश है कि यहाँ पर जौनपुर में की जा रही है मल्हनी में। हालांकि आज जौनपुर काफ़ी ज़्यादा हॉट रहेगा क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी यहाँ पर रहेंगे, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं जो जाएंगे, जफराबाद में उनकी जनसभा है, तमाम अन्य जगह भी जनसभा है, और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी आ रहे हैं। यानी जौनपुर आज काफ़ी राजनीतिक सियासी तपिश को देखने जा रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सेंटर जो फोकस रहेगा मुलायम सिंह यादव पर रहेगा, वो यहाँ पर आएंगे और क्या बोलते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल रतीश, सियासी तपिश वहाँ पर महसूस की जा सकेगी। आज AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज भी वहाँ पर आएंगे, जानकारी आपने दी, लेकिन सभी की नज़र टिकी होगी मुलायम सिंह यादव जब मंच पर मौजूद होंगे और लकी यादव की जीत जब वो सुनिश्चित करेंगे, वो तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका रतीश पूरी जानकारी के लिए।